अगर आपको बहुत सारी डिटेल्स एकदम डिटेल पे बीबीएस जानना है, सारी चीजें कैलकुलेट करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो टाइम अभी आपको लॉकडाउन के दौरान मिला है। आप कहीं से भी स्किल्स लीजिए, कहीं से भी चीजें सीखिए, लेकिन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाली मत बैठे, अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, एनहेंस करें सारी चीजों को। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी, द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं इंजीनियर आकाश बोरे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में, जहां आज हम बात करेंगे डिटेल पे बार बेंडिंग शेड्यूल बेसिक के बारे में। जो भी हमारे न्यू अपकमिंग इंजीनियर्स हैं जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे आए हैं, उन्हें बार बेंडिंग शेड्यूल के अंडरस्टैंड करना, इसको डिटेल पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज के इस बेसिक लेक्चर पे मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं बार बेंडिंग शेड्यूल के बारे में, कि बार बेंडिंग शेड्यूल होता क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्यों इसे किया जाता है, और इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लेक्चर्स में जो हम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स कराते हैं आपको, उसका एक पूरा का पूरा सेटअप, उसका पूरा एक पार्ट मैं आज इस वीडियो लेक्चर पे लेके आऊं आपके लिए, कि कैसे हम पूरे बार बेंडिंग शेड्यूल की स्टार्टिंग करते हैं, किस तरह से उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं प्रॉपरली, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, व्हाट इज बार बेंडिंग शेड्यूल। सबसे पहले समझना है बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है। बार बेंडिंग शेड्यूल इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट बार। बार को कट करवाना, उसे बेंड करवा के पर्टिकुलरली जो भी हमारे बिल्डिंग कंपोनेंट है, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, छज्जा, हर जगह प्लेस करवाना अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द ड्रॉइंग, उसे कट करवा के बेंड करवा के लगाना, इज कंप्लीटली दैट बार बेंडिंग शेड्यूल। अब उसकी जब हम लिस्टिंग करते हैं, अब कटिंग लेंथ दिमाग में तो याद नहीं होगा, हम पढ़ के तो याद नहीं रह सकते, उसकी एक शेड्यूलिंग बनाना, उसे प्रॉपर एक फॉर्मेट पे राइट अप करना, उस राइट अप के थ्रू उस बार को कटवा के लगवाना, इस कंप्लीटली हमारा डिटेल पे कहलाता है बार बेंडिंग शेड्यूल। अब देखते हैं कि बीबीएस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट जरूरी है। लोकेशन एंड मार्किंग ऑफ बार आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ड्रॉइंग पे, जो कि आपकी मेन ड्रॉइंग है उसमें लोकेशन एंड मार्किंग ऑफ बार। टाइप ऑफ बार, कौन से टाइप का बार है आपका, उस टाइप के बार को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम ये वीडियो पे देखेंगे कौन कौन से टाइप्स के बार होते हैं। कटिंग लेंथ ऑफ बार निकालना है, उसके बाद हम कुछ ड्रॉइंग से नियरली नंबर ऑफ बार्स की कटवाने तो हम वाले हैं, लेकिन वो कितने नंबर्स में कटेंगी कोई भी बार उसको फाइंड आउट करना। बेंडिंग डिटेल्स ऑफ बार की, वो बार कौन से एंगल पे बेंड हो रही है, क्या उसका एंगल रेशियो है, उसमें कितना डिडक्शन होगा, उस पूरे पार्ट के बारे में समझना डिटेल पे। और ओवरऑल टोटल क्वांटिटी को कैलकुलेट करना हमारे पूरे प्रोजेक्ट में, कि कितना स्टील या कितना लोहा लग रहा है, ये कहलाता है हमारा पूरा बार बेंडिंग शेड्यूल। जब आप इन पूरे टाइप्स को समझते हैं ना डिटेल पे, एक एक पार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, उसका पर्पस जानते हैं कि अगर मैं वो बार कटवा रहा हूं तो क्यों कटवा रहा हूं, उसका क्या पर्पस है, तब ये पूरा का पूरा नॉलेज जो आपको अलग करता है बाकी लोगों से, ये चीजें आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। एडवांटेजेस ऑफ बार बेंडिंग शेड्यूल, इसके क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं हम जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला, कटिंग एंड बेंडिंग ऑफ रेनफोर्समेंट कैन बी डन, इससे हम बार को कटवाना और बेंड करवाने की सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं। बीबीएस अवॉइड वेस्टेज ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट एंड दस सेव्स द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये वेस्टेज आपका रोकता है, सबसे वैल्यूएबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेस्टेज आपका बचता है अगर आप बार बेंडिंग शेड्यूल अच्छे से निकालते हैं तो। इट प्रोवाइड बेटर एस्टिमेशन ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील रिक्वायर्ड फॉर ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर, बहुत अच्छा एस्टिमेट आपका निकलता है, क्योंकि अब आपके पास एक एक कंपोनेंट का डिटेल्स है पूरे बार का, जहां पर भी बार लग रही है उसका डिटेल आपके पास, कटिंग लेंथ है, नंबर्स है, तो उससे आपको जो एस्टिमेट निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प होती है। BBS is very much useful during auditing of reinforcement, जब auditing होती है, यानी कि जब हम बात करें reconciliation होता है, जब हमको audit करना होता है सारी की सारी चीज़ें, उस पर बहुत ज़्यादा helpful करता है हमारा, अगर हमारे पास पहले से ही BBS बना रहता है तो check करने में आसानी होती है साइट पर सारी की सारी चीज़ें, reinforcement किस तरह से लगा है, ताकि जो चोरी और धोखाधड़ी होती है उससे हम बच सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इनेबल्स इजी एंड फास्ट प्रिपरेशन ऑफ बिल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, बहुत ही जल्दी जल्दी आप पूरा बिल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो पहले से पूरा स्टील का डिटेल्स है, जो आपके पास पूरे स्टील का डिटेल्स है, उसके वर्क का डिटेल्स है, क्या टाइम लगा, कितने लेबर लगे, सारा आपने मैनेज कर चुका है, तो आपका जो बिलिंग प्रिपरेशन वर्क है स्टील के अकॉर्डिंग, स्टील के रेफरेंस में, वो बहुत जल्दी जल्दी होगा। नेक्स्ट पार्ट पर हम चलते हैं, समझते हैं व्हाई स्टील इज यूज्ड एज अ रेइनफोर्समेंट बार, की स्टील ही क्यों यूज किया जाता है आरसीसी वर्क में एज अ रेइनफोर्समेंट, इसके बारे में हम कुछ जानकारी लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, जिसके वजह से स्टील यूज होता है वो है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज जस्ट सेम एज कंपेयर टू द कॉन्क्रीट। ये जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, क्योंकि जो इसका एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है कॉन्क्रीट और स्टील की वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इस वजह से हम स्टील को एज अ रेनफोर्समेंट यूज करते हैं आरसीसी वर्क में। गुड स्ट्रेंथ फॉर इकोनॉमिक डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा गुड ग्रिपिंग एंड बॉन्डिंग विद कॉन्क्रीट, बहुत अच्छा ग्रिप और बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है कॉन्क्रीट के साथ, क्योंकि वहां पर रिब्स और लग्स लगे हुए होते हैं, आपने स्टील बार देखा होगा, इसी वजह से उसकी बॉन्डिंग और ग्रिपिंग बहुत अच्छी होती है। गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट कोरोजन फॉर हायर ड्यूरेबिलिटी, उसका रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा साइड्स पर एक लंबे ड्यूरेशन के लिए हमारी बार्स रखी हुई होती है, वहां पर थोड़ा थोड़ा उसमें रस्टिंग लग जाता है, उसे हम सैंड पेपर से साफ करने के बाद ही लगवाते हैं, लेकिन उसकी कोरोजन रेजिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी होती है हमारी रेइंफोर्समेंट बार की, हमारे स्टील की। गुड बेंडेबिलिटी फॉर प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड शेप, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम उसको किसी भी तरह के शेप में किसी भी तरह के पोजीशन में बहुत ज्यादा आसानी से बेंड कर सकते हैं, इसी वजह से हम स्टील रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं आपको ले चलता हूं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट की, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट हम यूज करते हैं। सबसे पहले Fe 250 हमने देखा है, जो पुराने पहले कंस्ट्रक्शन होते थे वहां पर Fe 250 हम इस्तेमाल किया करते थे, और अब जो न्यू कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि Fe 250 एकदम प्लेन बार होता था, इसमें रिब्स और लग्स नहीं होते थे। नेक्स्ट जब मार्केट में Fe 415 आया मार्केट में, क्यों? क्योंकि जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पर जो रिब्स पैटर्न बने होते हैं, इससे क्या हेल्पफुल होती है, बार्स आपस में भी एक दूसरे से अच्छे बाइंड होते हैं, और साथ ही साथ कॉन्क्रीट में भी इसको पकड़ बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और नेक्स्ट आता है हमारा Fe 500, आप ये तीनों नाम को बहुत अच्छे जानते हैं, कॉलेज में भी आपने पढ़ा है और साइट पर भी, ये सारी की सारी डिटेल्स है, जो 415 500 आपके बार पर ही लिखी होती है, स्टील बार जो आपके पास आती है 12 मीटर की बार, क्लियर है। यहां पर जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस 415 और 500 के बीच में, वो ये है, बार में तो आपको लिखा ही रहेगा, नेक्स्ट जो आप डिफरेंस पता कर सकते हैं उसके रिब और लग के पैटर्न से, कि जो आपका बार आया है उस पर रिब है सिर्फ तो वो है Fe 415, और उसमें रिब और लग दोनों है तो वो है Fe 500 हमारी बार है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, साइज एंड यूनिट वेट ऑफ बार, ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है इंजीनियर्स, इसको देख लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसे याद कर लीजिए, क्योंकि यूनिट वेट ऑफ बार आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा टोटल क्वांटिटी ऑफ बार्स निकालने के लिए। आप एक हर एक mm के बार का यूनिट वेट निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला है d² by 162, इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेट निकालने का, जहां पर d होता है हमारा डायामीटर ऑफ बार। हमारे कितने अलग अलग डाया के बार होते हैं यहां पर हम देख लेते हैं, 8 mm, 10, 12, 16, 20, 22, 25, 32, अलग अलग mm के हमारे बार होते हैं। अगर हम बात करें यूनिट वेट की, यानी कि अगर मैं 1 मीटर का बार कटवाऊं, इसकी लेंथ है मेरी बार की 1 मीटर, तो इस 1 मीटर की बार का जो यूनिट वेट है वो कितना होगा हमें यहां पर पता चलता है, तो d² by 162। अगर मैं बात करूं 8 mm बार की, तो 8 × 8 d² / 162 में करूंगा, तो 0.395 kg पर मीटर, यानी कि 1 मीटर कटिंग लेंथ की बार का जो वेट है वो कितना है, 0.395 kg। इसको आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत काम आने वाली चीज है। नेक्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं, सिमिलरली आपको सबका निकालना है, पूरे के पूरे बार का यूनिट वेट निकालना है, इसको लिखना है प्रॉपरली और इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट पार्ट पर हम बात करते हैं बेंड डिटेक्शन एंड बेंड वैल्यूज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जहां पर इंजीनियर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बेंड डिटेक्शन क्यों होता है, किस लिए होता है और इनकी वैल्यूज क्या होती है, आज मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेंड इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द बार। अब क्या होता है, जैसे कि आप बार देख पा रहे हैं, क्योंकि टेंशन मेंबर है, क्लियर, अभी टेंशन पार्ट है हमारा, तो इसके जब बार को बेंड किया जाता है तो इसके आउटर पोर्शन पर, क्लियर, इसके आउटर पोर्शन पर सम अमाउंट ऑफ इलोंगेशन होता है, क्लियर है। जब इलोंगेशन होता है सम अमाउंट पे, तो क्या होता है, इसके जो भी बेंड एंगल्स होते हैं, सबसे पहला हमारा 45 डिग्री, आप देख सकते हैं 90 डिग्री हमारा बेंड एंगल हो गया, 135 डिग्री और 180 डिग्री, इन चार एंगल्स में हमारी बार बेंड होती है अलग अलग शेप्स, अगर हमको चाहिए होता है, रेक्टेंगल चाहिए होता है, ट्रायंगल चाहिए होता है, डायमंड चाहिए होता है, कोई भी हमको शेप चाहिए होता है, तो हम अलग अलग एंगल्स पे बार को बेंड करते हैं। अब ड्यू टू इस इलोंगेशन के वजह से, जब भी मैं एक रिक्वायर्ड शेप का स्टीरअप बना रहा हूं या किसी भी पार्ट का बार का शेप बना रहा हूं, तो इस इलोंगेशन के वजह से साइज क्या है, इंक्रीज हो जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे 1 मीटर अगर बार की कटिंग लेंथ आ रही है, क्लियर, ओरिजिनली ड्राइंग से,
तो अब जब वो एक्चुअल पे कटेगी तो उस एक्चुअल ड्रॉइंग की लेंथ से कम कटेगी हमेशा। क्यों कम कटेगी? क्योंकि जब ये बेंड होगा तो बेंड होके ये अपने ओरिजिनल शेप जो कि हमको एक मीटर चाहिए था उस इलोंगेशन होके वो एक मीटर को वो कवर अप कर लेगा। इसी वजह से हमें जो एक्चुअल लेंथ जो चाहिए होती है वो हमेशा कम होती है जो हम ड्राइंग पर फाइंड आउट करते हैं। इस पार्ट को मैंने एकदम डिटेल पर समझाया हमारे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स में बार बेंडिंग शेड्यूल के पार्ट में डिटेल पर। इस पूरे पार्ट को पूरे सिनेरियो को कवर अप करते हुए आपको एक एक चीज के बारे में मैंने वहां पर डिटेल पर सारी चीजें समझाई है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भी ये डिडक्शन है इनकी वैल्यूज क्या होगी अलग अलग एंगल्स के लिए। तो सबसे पहले हमारा जब हम बात करते हैं 45 डिग्री के लिए अगर बेंड होती है बार 45 डिग्री में तो इसका वैल्यू होता है 1D बेंड डिडक्शन हम कैलकुलेट करते हैं। 90 डिग्री के लिए 2D, 135 डिग्री के लिए 3D और 180 डिग्री के लिए 4D ये वैल्यूज हम कंसिडर करते हैं। ये जो हमारी वैल्यूज है ये है वर्किंग, हम हमेशा जो काम करते हुए आए हैं इन वैल्यूज को कंसिडर करके ही काम करते हैं। लेकिन जो हमारा IAS कोड है इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसमें कहीं पर भी इस तरह की वैल्यूज नहीं गिवन है। इन वैल्यूज को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, ये ट्रेंड है, ये पैटर्न है, तो उस पैटर्न को ही हम अडॉप्ट करते हैं, उस पैटर्न से ही हम ये सारी चीजें कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। इसकी वैल्यूज है, आप इन वैल्यूज को भी याद कर लीजिए प्रॉपरली। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर क्या होता है। बहुत सारे इंजीनियर को इसमें भी कंफ्यूजन होता है तो इस पार्ट को भी आप देख लीजिए एकदम ध्यान से। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यहां पर क्लियर कवर, यानी कि जो भी मेरा कॉलम है या बीम है या कोई भी पार्ट है, क्लियर कोई भी मेंबर है, उसके आउटर फेस से लेकर यहां पर जो आप रिंग देख पा रहे होंगे उस रिंग के आउटर फेस तक का ये जो डिस्टेंस है, यानी कि हम बात करें अगर कॉलम तो वहां पर कवर कितना होता है 40, फुटिंग बात करें तो कवर कितना 50, तो यहां पर इस क्लियर कवर की वैल्यू को हमको पुट ऑन करना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल ये इसको हम मैं कहता हूं एक कॉलम है, ये हमारा कॉलम है, तो यहां पर क्लियर कवर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 mm। क्लियर इंजीनियर्स, ये होता है हमारा क्लियर कवर। जो भी हमको कवर छोड़ना होता है अपने मेन आउटर फेस से उसकी वैल्यू को हम कहते हैं क्लियर कवर, जो कि जो भी उसकी रेनफोर्समेंट होगी उसके आउटर तक का डिस्टेंस या लेंथ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्टिव कवर की। इफेक्टिव कवर क्या कहता है? कोई भी आपका मेंबर है उस मेंबर पे जो मेन बार वहां पर लगा हुआ है, क्लियर, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये मेरा कॉलम का क्रॉस सेक्शन है तो इसका मेन बार यहां पर हुआ, तो इस मेन बार के सेंटर से, इस मेन बार के सेंटर से इस आउटर फेस तक के जो कवर को हम कहेंगे इफेक्टिव कवर। क्लियर इंजीनियर्स, इस पार्ट को हम कहेंगे इफेक्टिव कवर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्लियर कवर किसे कहते हैं और इफेक्टिव कवर किसे कहते हैं, इस पार्ट को समझना अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट पे हम बात करते हैं वैल्यूज ऑफ क्लियर कवर की, क्या क्या वैल्यूज हैं क्लियर कवर की, किस तरह से लेना चाहिए। अगर आपको बहुत सारी डिटेल्स एकदम डिटेल पे बीबीएस जानना है, सारी चीजें कैलकुलेट करना है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ नहीं तो कहीं और भी आप जुड़ सकते हैं। लेकिन आपको एक टाइम इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो टाइम अभी आपको लॉकडाउन के दौरान मिला है, आप कहीं से भी स्किल्स लीजिए, कहीं से भी चीजें सीखिए, लेकिन सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आज आप नहीं सीखेंगे, आज का टाइम आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इस टाइम को वेस्ट करेंगे, क्योंकि गाइज आज के टाइम पर, आज के समय में जो टाइम है वो एज अ मनी काम करता है आपके लिए, वही वैल्यू क्रिएट करता है। अब जितनी स्किल्स लेंगे, जितनी सारी चीजें लेंगे, आप हमारे पास से मत सीखिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप जहां से भी सीखे सीखे जरूर, खाली मत बैठे, अपने नॉलेज को इंक्रीज करें, एनहेंस करें सारी चीजों को। अगर आप चाहते हो हमारे साथ जुड़ना तो इस नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं 9111001234, कॉल करो इस नंबर पे, मैम से बात करो, मैम से पूछो कि मैम मैं और क्या क्या कर सकता हूं, अपनी क्वेरीज बताओ, अपनी प्रॉब्लम्स बताओ मैम को। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, चीजों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आपका मोस्ट मोस्ट वेलकम है हमारे सिविल गुरुजी इंस्टीट्यूट में। नेक्स्ट पार्ट आते हैं हमारे वापस से वीडियो में, वैल्यूज ऑफ क्लियर कवर हम बात कर रहे थे, तो अलग अलग कंपोनेंट्स की क्लियर कवर की वैल्यूज, फुटिंग 50 mm क्लियर कवर, कॉलम 40 mm, बीम 25 mm, स्लैब 20 mm, स्टेयर केस 15-20 mm हम लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि स्टेयर केस का जो स्लैब का विड्थ है वो कितना है, छज्जा 15 mm, पाइल और पाइल कैप में हम 60-60 mm लेते हैं। सिमिलरली जो मैंने आपको बताया क्लियर कवर लेते हैं, क्लियर कवर की वैल्यूज है ये सारी की सारी, जब भी हम साइट पर काम कराएंगे तो ये होगी क्लियर कवर की वैल्यूज, इसे खास ध्यान से दीजिएगा इंजीनियर्स, क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट पर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड कोड यूज फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल।
बार बेंडिंग शेड्यूल के बिना स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया बीबीएस नहीं बना सकते। स्टैंडर्ड हमारे लिए गीता के समान होती है। अगर आपको स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है बीबीएस के लिए तो ये आईएएस कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएएस 456-2000 प्लेन एंड रेनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए यूज होता है। आईएएस 2502-1963 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर बार बेंडिंग एंड फिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट आईएएस कोड है। इसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलती है इंजीनियर्स, यहां पर हुक लेंथ बेंड रिडक्शन सारी चीज के बारे में डिटेल्स मिलती है। आईएएस 5525-1969 डिटेल्स ऑफ रेनफोर्समेंट इन आरसीसी वर्क, इसमें भी बहुत सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। आप इन पूरे के पूरे स्टैंडर्ड्स को देखिए, डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे बस स्टैंडर्ड के नाम से पीडीएफ आ जाएगा, पीडीएफ को तुरंत डाउनलोड कीजिए। SP34 यहां पर आपको कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग के बारे में डिटेल्स मिलेंगी। SP34 यानी कि स्पेशल पब्लिकेशन 34, इसको आप डाउनलोड करिए। यहां पर बहुत सारी चीजें डिटेल पे आपको सीखने को मिलेंगी। तो इंजीनियर्स होपफुली ये जो वीडियो आज हम मैंने आपके साथ डिस्कस किए ये ओवरव्यू देता है कि क्या बार बेंडिंग शेड्यूल का सिनेरियो है, क्या उसकी डिटेलिंग्स है, कैसे आपको साइट पर ही छोटी छोटी प्रैक्टिकल चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल होके काम पर आएंगे। आपको ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने आज मेरे वीडियो से सीखा और नेक्स्ट मैं इसी तरह से बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाते रहूंगा। क्लियर इंजीनियर? तो ये सारी चीजें, ये सारी डिटेलिंग्स हमने आज इस वीडियो में कवर की। होपफुली अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हमारा जोश और उत्साह बढ़ाने के लिए लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों इस वीडियो में। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।